कक्षा 10 एक्सरसाइज 14.1 हम इसका 16वां प्रश्न करने जा रहे हैं। प्रश्न है, किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गए हैं। केवल देखकर यह नहीं बताया जा सकता कि कोई पेन खराब है या अच्छा है। इस मिश्रण में एक पेन याद इच्छा निकाला जाता है, निकाले गए पेन की अच्छा होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब देखिए, हमें दिया गया है कि खराब पेन कितने हैं और अच्छे पेन कितने हैं, 132। कुल पेन कितने हो, 134। वेरी गुड, कुल पेन हो गए 144। अब हमने 144 पेनों में से, देखने से नहीं पता, सबका रैंक एक जैसा है, देखने से नहीं पता कि कौन से पेन खराब है और कौन से अच्छे हैं। 12 पेनों को अच्छे से मिक्स कर दिया गया, ठीक है, या मिक्स वो हो गई गलती। अब क्या प्रायिकता है कि इनमें से जब एक पेन निकाला जाए तो वह अच्छा होगा, तो देखिए ध्यान से, तरीका वही है प्रायिकता को निकालने का, जितने कुल पेन है वो कहाँ आएंगे, कुल पेन अब कितने हैं, और इसमें अच्छे पेन कितने हैं, 132। तो प्रायिकता हो गई 132/144। यदि आप इसको 4 से भाग करना चाहें तो 4 से कर सकते हैं, 4 की 12 और ये आ जाएगा 4 की 12 2 24, 6 चौके 24, तो आ गया 33/36। ये दोनों 3 के बारे में चल जाएंगे, 11 की 33 और 12 की 36, 11/12। तो इस प्रकार से 144 पेनों में से यदि एक पेन निकाला गया तो उसके ठीक पेन निकलने की जो प्रायिकता है वह होगी 11/12, यानी हर 12 में से 11 पेन ठीक होंगे। क्लियर है सबको?